हेलो दोस्तों, आज हम कैंडिटोल SB-130 कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, जो कि है एक एंटी फंगल ड्रग का मेडिसिन है, जिसकी हम संपूर्ण जानकारी हिंदी में देखेंगे कि इसको कब लेना चाहिए, इसको लेने से हमको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और किन किन परिस्थितियों में लेना चाहिए और मार्केट में क्या प्राइस है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कैंडिडोल SB-130 कैप्सूल, सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया और ब्रांडेड कंपनी है। अब बात करते हैं इसके अंदर ड्रग के बारे में, कंटेंट के बारे में देखें तो इसके अंदर मुख्य एक ही कंटेंट डाला गया है, जो है इट्राकोनाजोल, और इसकी उपस्थिति देखें तो 130 mg में इसके अंदर डाला गया है। अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, यानी कि इट्राकोनाजोल कैप्सूल का क्या कार्य है। ये कार्य देखो तो ये एक एंटी फंगल ड्रग है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण जैसे कि कहीं पर भी आपके दाद है, खाज है, खुजली है, कहीं पर भी कहीं इन्फेक्शन हुआ हो, नाइटा हुआ हो, तब इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है और ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला बहुत अच्छा कैप्सूल है। और दाद खाज खुजली में देखे तो यदि आपके गर्दन के बीच की खुजली है, नाखूनों के बीच की खुजली है, अंगुलियों के बीच की खुजली है, यदि आपके जांघों के बीच की खुजली है, यदि आपको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ हो, तब इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसका डोज के बारे में, इसका डोज जो कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका डोज लेना चाहिए और जब भी आप इस कैप्सूल का उपयोग करते हैं तो खाने के बाद ही इस कैप्सूल का उपयोग करें, ताकि क्या है कि आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। अब बात करते हैं कि इसका मार्केट में क्या प्राइस है। प्राइस की बात करें तो मैं भी आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि एक 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है, जिसका मार्केट में प्राइस है 250 रुपीज़, जो मैं हर एक मेडिकल स्टोर पर ही आसानी से मिल जाता है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं, और नॉर्मल सा साइड इफेक्ट देखे तो जैसे कि जी घबराना, मिसल आना, उल्टी होना, जुलाब होना, गैस बनना, इसका नॉर्मल सा सामान्य साइड इफेक्ट है। और यदि इससे ज़्यादा अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर की सलाह रहे, और जब भी आप इस कैप्सूल का उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, डॉक्टर की बिना सलाह के अनुसार इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये एक एंटी फंगल ड्रग है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारियों की इसकी कोशिका झिल्ली को मारकर ख़त्म कर देता है और उसकी वृद्धि को रोक देता है। चलो दोस्तों, कैंडिडोल SB कैप्सूल के बारे में इतने काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है जो अब तक मिलती रहे।